हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हेमकुंट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हेमकुंट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के ऋषिकेश के बीच में रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है। और इस ट्रेन के तकरीबन 22 स्टेशन हैं और ये 16 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से ऋषिकेश की जो दूरी है वो 636 किलोमीटर की ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। हेमकुंट एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 146-10 और इसे नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हेमकुंट एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में और जान लेते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से ऋषिकेश तक इसका कितना किराया है। दोस्तों, हेमकुंट एक्सप्रेस में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं जो अभी आपको हेमकुंट एक्सप्रेस का किराया बताऊंगा वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से ऋषिकेश तक का बताऊंगा। सेकंड एसी का जो किराया है वो है लगभग ₹1355, थर्ड एसी का जो किराया है वो है लगभग ₹945 और स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है लगभग ₹345। इसके अलावा इसमें जनरल अंडर द डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है लगभग ₹180 के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हेमकुंट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। दोस्तों, हेमकुंट एक्सप्रेस जो है वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से रोजाना शाम को 4:20 पर रवाना होती है और इसके तकरीबन 22 स्टेशन हैं ऋषिकेश तक। उसके बाद जो दूसरा स्टेशन आता है वो है उधमपुर। उधमपुर में ये 4:46 पर शाम को पहुंचती है और 4:48 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद हेमकुंट एक्सप्रेस जो है वो जम्मू तवी स्टेशन में पहुँचती है शाम के 6:00 और 6:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 30 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सांबा स्टेशन में पहुँचती है। सांबा स्टेशन में ये ट्रेन जो है शाम के 6:58 पर पहुंचती है और 7:00 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गगवाल स्टेशन में पहुंचती है शाम के 7:09 पर और 7:11 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हीरानगर स्टेशन में पहुँचती है शाम के 7:19 पर और 7:21 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर के आखिरी स्टेशन कठुआ में पहुँचती है शाम के 7:50 के करीब और 7:51 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंजाब में एंटर करती है। पंजाब का जो पहला स्टेशन है वो है पठानकोट कैंट। यहाँ पर ये ट्रेन जो है रात के 8:30 पर पहुँचती है और 8:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुकेरियां स्टेशन में पहुंचती है रात के 9:12 पर और 9:14 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हेमकुंट एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन दसुआ में पहुंचती है रात के 9:33 पर और 9:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। उसके बाद हेमकुंट एक्सप्रेस जो है वो टांडा उडुमुड़ में पहुंचती है। टांडा उडुमुड़ में ये रात के 10:01 पर पहुंचती है और 10:03 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हेमकुंट एक्सप्रेस जो है वो जलंधर कैंट जंक्शन में पहुंचती है। जलंधर कैंट जंक्शन में ये रात के 10:57 पर पहुंचती है और 11:00 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हेमकुंट एक्सप्रेस जो है वो लुधियाना जंक्शन में पहुंचती है। लुधियाना जंक्शन में ये रात के 12:40 पर पहुंचती है और 12:50 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंजाब के आखिरी स्टेशन सरहंद जंक्शन में पहुँचती है। सरहंद जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 1:45 पर पहुँचती है और 1:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अंबाला कैंट जंक्शन में पहुँचती है। अंबाला कैंट जंक्शन में ये दोपहर के 2:40 पर पहुँचती है, सॉरी, रात के 2:40 पर पहुँचती है और 2:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है यमुनानगर जगाधरी में पहुँचती है 3:28 पर रात को और 3:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जंक्शन में पहुँचती है सुबह 4:15 पर और 4:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हेमकुंट एक्सप्रेस जो है वो रुड़की स्टेशन में पहुँचती है शाम के 5:18 पर और 5:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हेमकुंट एक्सप्रेस जो है वो उत्तराखंड के हरिद्वार जंक्शन में पहुंचती है
सुबह के 6:50 पे और 7:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 35 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये रायवाला जंक्शन में पहुंचती है सुबह 7:53 पे और 7:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हेमकुंड एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन विद वीरभद्रा स्टेशन में पहुंचती है सुबह 8:08 पे और 8:09 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हेमकुंड एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन ऋषिकेश स्टेशन में पहुंचती है सुबह 8:35 पे और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है ये 633 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ हेमकुंड एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।